हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधेयक को सदन में पेश किया। इस संशोधन विधेयक में शराब की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। नकली शराब बनाने के मामले में दोषी की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान सहित जुर्माने में खासी बढ़ोतरी की गई है। सदन में क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए विस्तार से। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ बातें ध्यान में लाई है। और पहले क्या होता था कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल लोग होते थे, स्पूरियस ड्रग्स में शामिल लोग होते थे, उन पर कोई सख्त कानून नहीं था। सुंदरनगर में ट्रेजडी हुई, उस ट्रेजडी के बाद हुई ट्रेजडी, 8 लोग मर गए और कईयों की तो नज़र चली गई। तो जो इलीगल लिकर बनाने वाले लोग हैं उनको कैसे सख्ती से काम किया जाए, उसके संबंध में ये हमने अमेंडमेंट्स लाई है, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के बारे में भी हमने कहा है और जो पेनल्टी है उसमें भी वृद्धि की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। डेटरेंट, और मेरे साथी व्यवस्था परिवर्तन का उदाहरण दे रहे थे, तो ये भी एक व्यवस्था परिवर्तन ही है कि इतने सालों से सख्ती से उठाकर, और आपकी सरकार को उठाना चाहिए था। जब पिछली बार 8 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, अंधे हो गए, उस समय भी ये कानून नहीं लाया। 2-3-4 साल पहले की बात है। आपको बधाई हो, हमने ये कानून लाया, आप बधाई दे रहे, बहुत धन्यवाद। विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा ने बिल पर चर्चा के दौरान एक्साइज पुलिस का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा, सुनिए। माननीय, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस का काम होता है, घटना घटने के बाद पुलिस को लाया जाता है, लेकिन एक सुझाव उनका है कि एक्साइज पुलिस जरूर होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमने अभी 1200 कुछ पोस्टिक जो कमांडो फोर्स हम हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, उसमें हम स्पेशल जो पुलिस है उसमें से कुछ पुलिस सेकेंडमेंट बेसिस पर एक्साइज डिपार्टमेंट को देंगे, ताकि वो ये पर्टिकुलर काम करें। और ये भी करेंगे, तय ये भी करेंगे कि उसका टेन्योर कैसे होगा। ऐसा नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट में हमने सेकेंडमेंट बेसिस पर दे दिया, परमानेंटली लगा रहा, फिर वो भी उन्हीं के संपर्क में आया, वो भी उसी संस्था के साथ चल पड़े, तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।